हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज हम डिस्कस करेंगे सी एस Life नेट लाइफ साइंसिस का पी वाई year प्रीवियस ईयर क्वेश्चन राइट तो आज हमने जो टॉपिक लिया है जिसके हम पी वाई क्यूज डिस्कस करेंगे वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन लास्ट वीडियो में मैंने आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के मेटाबॉलिज्म के बारे में डिस्कस किया था तो आज हम देखेंगे कि हाउ कैन वी रिलेट ठीक है दिस टॉपिक्स विद पी वाई क्यूज राइट सो लेट्स स्टार्ट और फर्स्ट क्वेश्चन इज लेग्यूम रूट नोड्यूल्स कंटेन लैग हीमोग्लोबिन ठीक है जो जो लेग्यूम रूट नोड्यूल्स होते हैं ठीक है लेग्यूम्स होती है जैसे पल्सिस हो गई या मतलब आप समझ लीजिए ठीक है वो एक लेग्योग प्लांट होता है तो यहाँ पे पूछा जो लेग्यूम रूट नोड्यूल्स कंटेन लैग हीमोग्लोबिन ठीक है वो लैग हीमोग्लोबिन जो है वो कंटेन करता है तो यहाँ पे पूछा गया है कि इट्स फंक्शन इज टू ठीक है तो यहाँ पे इसका फंक्शन जो है हमसे पूछा गया है तो लैग हीमोग्लोबिन होता क्या है ठीक है लैग जो होते हैं ठीक है वो कंटेन करते हैं ऑक्सीजन बाइंडिंग हीम प्रोटीन ठीक है और जो ऑक्सीजन बाइंडिंग हीम प्रोटीन होती है जो कि कंटेन की जाती है किसके द्वारा नोड्यूल के द्वारा दौर राइट right? तो एंड टू मेंटेन ठीक है और इसका काम क्या होता है ये करता है ये मेंटेन करता है कंटिन्यूस एन एरोमेंट को ठीक है क्या करता है ये कंटिन्यूस एन एरोमेंट को मेंटेन करता है ठीक है मतलब किसमें यह हेल्प करेगा ये हेल्प करेगा ऑक्सीजन की सप्लाई में ठीक है क्यों करेगा क्योंकि इसका राइट right ऑप्शन वो सी है ठीक है क्यों करता है क्योंकि जो पी प्लांट्स है ये नोड्यूल फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है कि वहां पे एक एंजाइम जो है वो काम करता है ठीक है उसका नाम है ठीक है एंजाइम जो है काम करता है वो किस कंडीशन में काम करता है वो काम करता है एन एरोबिक कंडीशन में ठीक है तो जो लैग हिमोग्लोबिन है इसका जो सीधा सीधा लिंक है वो किसके साथ है ठीक है एन एरोबिक कंडीशन को मेंटेन करना यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई को वो रेगुलेट करता है ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड विद रिस्पेक्ट टू सिम्बॉटिक एसोसिएशन ऑफ राइजोबिया विद लेग्यूम्स ठीक है फॉलोइंग स्टेटमेंट यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी हुई हैं मेड विद रिस्पेक्ट टू सिम्बॉटिक एसोसिएशन ऑफ राइजोबिया विद लेग्यूम ठीक है तो यहाँ पे जो सिम्बॉटिक एसोसिएशन होती है राइजोबिया की ठीक है राइजोबिया क्या एक बैक्टीरिया होता है जो कि लेग्युमिनस प्लांट की रूट में एसोसिएट <coughs> होता है ठीक है और तो इसका यहाँ पे ठीक है तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है पहले इनको पढ़ लेते हैं नोड जीन इज अ रेगुलेटरी जीन ठीक है ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही यहां पे दिया हुआ है नोड जीन जो होती है वो एक रेगुलेटरी जीन होती है और ये मास्टर जीन होती है सब्जियों की राइट right? एंड नोड फैक्टर्स आर लिपोकाइटिन जो नोड फैक्टर्स यहाँ पे बताया गया है तो नोड फैक्टर यहाँ पे बोला गया है कि वो कैसे होते हैं लिपोकाइटिनस ऑलिकोसे ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है थर्ड है नोड फैक्टर्स प्रीडोमिनेंटली हैव अल्फा लिंक्ड एन स्टाइल डी बैकबोन ठीक है यहाँ पे थोड़ा इन्होंने गड़बड़ कर दिया ठीक है बिल्कुल सही है कि जो नोट फैक्टर्स होते है, प्री है थी बट यहाँ पे जो आपको अल्फा दिया हुआ यहां पे अल्फा बैकमोन अल्फा लिंकेज नहीं होती यहां पे कौन सी होती? यहां पे होती है सी होती है है ठीक कौन सी लिंकेज होती है बिटा लिंकेज तो जो आपका थर्ड जो आर ऑप्शन दिया गलत हो जाता है यहाँ पे फोर्थ है शुगर बाइंडिंग डोमेन ठीक है ये ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही आपको स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है ठीक है और अब यहाँ पे पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन रिप्रेजेंट ऑल करेक्ट स्टेटमेंट ठीक है तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी ठीक है पी क्यू और एस नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट इंटू नाइट्राइट इन प्लांट ठीक है

ठीक है तो जी स्टेटमेंट है रिड्यूस फेराटोक्सिन एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर तो ये गलत स्टेटमेंट है बिकॉज रिड्यूस एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर ठीक है ये कौन से सेम में वर्क करता है ये करता है जो नाइट्रोजनीस इंजाइम होता है ठीक है उसमें जो है रिड्यूस फॉर फेरोडोक्सन होती है वो एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर वर्क करती है ठीक है और नाइट्रोजीनीस इंजाइम क्या करता है वो कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन को अमोनिया में ठीक है बट जब आ, नाइट्रेट ठीक है नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे ठीक है जो नाइट्रेट डिडक्टर्स एंजाइम होता है उसमें कौन ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनर किसको यूज किया जाता है जो एन ए डी पी एच और एन ए डी एच होता है उसको एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर ठीक है वहाँ पे वो एक्ट करता है तो इसका जो राइट right ऑप्शन है वो है बी दैट इज पी क्यू एंड आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज

कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं इसमें देखिए एफेडी होता है हीम होता है और मॉलिक बैडनम फॉर कॉम्प्लेक्स विथ पटेरियन ठीक है तो ये तीन जो प्रोस्थेटिक वहां पे ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वन ऑफ द प्रोस्थेटिक ग्रुप एक्ट अटैचेस टू बोथ सब यूनिट इज ठीक है वन ऑफ ग्रुप टू बोथ इज ठीक है ये भी बिल्कुल सही बात है ठीक है जो मोलिटनम कॉम्प्लेक्स होता है और जो एफ होता है वो बोथ किससे अटैच होते हैं इसमें हीम ग्रुप ठीक है जो थर्ड होता है ठीक है बीच में जो होता है वो होता है हीम ग्रुप तो इससे दोनों वो अटैच होते हैं ठीक है थीके? और उसको हिंज रीजन ठीक है जिस रीजन पे ये दोनों अटैच होते हैं उसको हिंज रीजन बोलते हैं

Q and R is 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 the the uh, wrong option, right? Question number next is, which of the following is correct about nitrate reductase. डि में पढ़ा हुआ है ठीक है नाइट्रोजन मेटाबोलिज्म जो हमने वीडियो कवर की थी उसमें हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा है तो you can <coughs> आप वहाँ से इसको देख सकते हैं Which of the following is correct about

बोल रहा है कि ये कैटालाइज करता है कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट इनटू अमोनिया एमोनिया बट दिस इज रॉन्ग क्यों क्यों क्योंकि जो ठीक है नाइट्रेट को ये कन्वर्ट करता है किसमें नाइट्राइट में ठीक है एनओ टू ने इसको इसमें कन्वर्ट करता है तो दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन थर्ड है एफ ए डी एच टू एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर ठीक है देखिए ये भी गलत है क्यों क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनर इसमें कौन एक्ट uh, करता है वो करता है एफ ए डी पी एच ठीक है एफ ए डी पी एच और एफ ए डी एस ठीक है एफ ए डी एस टू इसमें नहीं एक्ट करता है इलेक्ट्रॉन डोनर यहाँ पे करता है एफ ए डी एच और एफ ए डी पी एस ठीक है एंड इट इज वेरी सेंसिटिव टू ऑक्सीजन ठीक है ये वाला ऑप्शन है ये भी इनकोरेक्ट ऑप्शन है ठीक है इट इज नॉट वेरी सेंसिटिव टू ऑक्सीजन तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ए दैट इज

हाँ दिस इज ऑल्सो राइट ऑप्शन ठीक है ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि ये जो कैरेट आउट होती है ये प्रोसेस जो तो किसके द्वारा होती है फ्यू प्रो कैरोटिक ऑर्गेनिजम के द्वारा होती है जिनको क्या कहा जाता है इनको डाया भी डाया डाइजोट्रॉप्स ठीक है इनको कहा जाता है

जो प्लांट्स रूट्स होते हैं ठीक है दे कैन एब्जॉर्व आयंस राइट बट दे कैन नॉट एब्जॉर्व सॉल्ट डायरेक्टली ठीक है जो सॉल्ट्स होते हैं उनको वो आयंस की फॉर्म में एब्जॉर्व करती है बट सॉल्ट्स को डायरेक्टली एब्जॉर्व नहीं करती तो उसका जो फॉल्स स्टेटमेंट होगा ठीक है मेरा राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट दी पी वाई क्यूज ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन For more videos and latest updates about exam, please like and sh like share and subscribe my channel. Oh. Thank you so much all.